जी, तो आज हम बना रहे हैं लजीज सा टमाटर गोश्त। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। टमाटर गोश्त बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो गोश्त, दैट इज़ 500 ग्राम्स, और पांच अदद हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें हम बारीक काट लेंगे। थोड़ी सी प्याज ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसे भी हम बारीक काट लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हरा धनिया लिया है, लाल मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हरी मिर्च और हल्दी। चलिए अब चलते हैं टमाटर गोश्त बनाने की। तरफ 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। देखिए, प्याज जो हमने ली थी उसे हमने रफली चॉप कर लिया है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो ये प्याज हम फ्राई कर लेंगे। हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। के बाद अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। प्याज फ्राई हो रही है, प्याज में मैंने हल्का सा नमक डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी फ्लेवर सा आ जाए। थोड़ा नमक मैं अब डालूंगी, थोड़ा नमक मैं बाद में डालूंगी। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। अब हम इसमें लहसुन अदरक का स्टार्ट कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करके में इसलिए ऐड किया जाता है कि कोई भी अगर गोश्त की वीक है तो वो निकल जाए। लहसुन अदरक डालने के बाद थोड़ी देर तक हम गोश्त को और प्याज को फ्राई करते रहेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी जो कि हमने 1 टीस्पून लिया था, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च और हल्दी ऐड करने के बाद अब हम अपने गोश्त में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च गोश्त को एक अच्छी शक्ल देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती है, ये सिर्फ आपकी गोश्त को एक अच्छा कलर दे देती है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद अब हम डालेंगे धनिया पाउडर। सारे मसाले ऐड करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने गोश्त को अच्छे से स्टिर कर लिया है, और अब इसको हम हल्का सा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गोश्त को गलाने के लिए अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे, और उसको गलने के लिए उसकी लिड बंद कर देंगे और 2 सीटी लगाने तक इंतज़ार करेंगे। गोश्त को हम हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगाएंगे, उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए उसे गलने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। इसे कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे 2 सीटियां लगने तक इंतज़ार करेंगे। देखिए, सीटी लगने के बाद हमारे गोश्त की शक्ल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब हम इसमें हमने चेक करा कि हमारा गोश्त गल चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 5 टमाटर हमने लिए थे उनको हमने रफली चॉप कर लिया था। टमाटर अब हमने गोश्त में ऐड कर दी है, साथ ही हम अब ऐड करेंगे इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें हरा धनिया डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसकी लिड फिर से क्लोज कर देंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी हम दोबारा से लगाएंगे, जब तक कि हमारे टमाटर गल नहीं जाते और गोश्त हमारा पक नहीं जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं, विसल आ चुकी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब हम इस गोश्त को भून लेंगे। भूनते वक्त हम गोश्त को चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। जैसा कि आप देख सकते हैं गोश्त हमारा भून रहा है, हमें गोश्त को चलाते रहना है, न कहीं ये नीचे से लग गया तो ये जल जाएगा।
तो जब आप भून रहे हों तो गोश्त को चलाते रहें। ये देखिए हमारा लजीज सा टमाटर गोश्त बनके तैयार है। ये मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे गोश्त पे कितना अच्छा कलर आया है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही ये खाने में भी अच्छा लगेगा।